जब से कोविड संक्रमण के चलते हिमाचल में लॉकडाउन हुआ था, तभी से जिला प्रशासन जिला को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्य कर रहा है। जिला के सभी प्रशासनिक अधिकारी करीबन 5 माह से दिन हो या रात अपना कर्तव्य बखूबी निभा रहे हैं। जिला प्रशासन की कमियां तो सभी उजागर करते हैं, लेकिन उनका त्याग किसी को भी दिखाई नहीं देता है। ये बात नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष कुल राकेश पंत और व्यापार मंडल सोलन के महासचिव मनोज गुप्ता ने मीडिया के समक्ष कही। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की जागरूकता की वजह से सोलन में कोरोना संक्रमण तैर नहीं पसार पाया और हम सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर भी लौटने लगी है। नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष कुल राकेश पंत और व्यापार मंडल सोलन के महासचिव मनोज गुप्ता ने जिला प्रशासन की प्रशंसा करते हुए कहा कि 5 माह में कई त्योहार और छुट्टियां आई, जिसका हम सभी ने अपने परिवार के साथ खूब आनंद उठाया। लेकिन जब हम सभी आनंद उठा रहे थे, तब सोलन का जिला प्रशासन हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिन रात अपनी सेवाएं दे रहा था और विभिन्न तरह की व्यवस्थाओं को लेकर चिंतित था। यही वजह है कि सोलन में किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं देखी गई। लोग बाहरी राज्यों से भी आए, लेकिन कोरोना का संक्रमण अपने पैर सोलन में नहीं पसार पाया। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर हमें जिला प्रशासन की कमियों को उजागर करने का हक है, वहीं जिला प्रशासन के अच्छे कार्यों की सराहना करना भी हमारा दायित्व बनता है, ताकि जिला के प्रशासनिक अधिकारियों का मनोबल और बढ़े और वे अधिक ऊर्जा के साथ पहले से और बेहतर कार्य कर पाए। कि जब से कोविड शुरू हुआ है और लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ है, क्योंकि हम एज ए व्यापार मंडल पूरे प्रशासन के साथ मिलकर के काम कर रहे थे, और हम ये भी देख रहे थे कि किस तरह से प्रशासन, उन्होंने ना दिन रे देख रहे थे ना रात देख रहे थे। जब भी हम उनको फ़ोन कर रहे हैं या जब भी सोलन के लोगों को या पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को उनकी आवश्यकता है, हमने उनको ऐसा पाया ही नहीं है कि वो रेस्ट करते हुए पाए गए हैं। आप सुबह देखिएगा, दोपहर देखिएगा, रात देखिएगा, कभी भी किसी भी टाइम उनको फ़ोन कीजिएगा, वो हमेशा ड्यूटी पे दिखे हैं हमें। इस पीरियड में कितनी सारी छुट्टियां आई हैं, कितनी तरह के फंक्शंस आए हैं, लेकिन पूरा का पूरा प्रशासन, इवन कि जो उनका जिला मुख्यालय है, वो भी दिन रात, चाहे वो संडे है, चाहे मंडे है, या किसी और तरह की भी छुट्टी है, सबके सब अधिकारी, सबके सब जितना भी स्टाफ है, हमें तो वहीं पर मिले हैं। और ये अप्रिशिएशन है हमारी तरफ से, सोलन की तरफ से, और हम इस बात के लिए उनको अप्रिशिएट करते हैं, और ये भी आशा करते हैं कि उनके इन प्रयासों से जल्दी ही पूरा सोलन, पूरा भारत और पूरा विश्व जल्द से जल्द इस कोरोना नामक बीमारी से जल्द मुक्त होगा। हम डे टू डे लाइफ में सदा ही गवर्नमेंट फंक्शनरीज को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जब जब भी कोई आपदा का समय आता है, तो उस समय एक परीक्षा का समय भी होता है, आम जनता का भी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी होता है। सोलन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, चाहे वो जिला प्रशासन है, चाहे पुलिस प्रशासन है, चाहे हमारे हॉस्पिटल के लोग हैं, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस के लोग हैं, या अन्य सारे कर्मचारी जो विभिन्न स्थानों पर ड्यूटी दे रहे हैं, ये आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, दूसरे तीसरे लोग हैं जो बैरियर्स पे भी ड्यूटी दे रहे हैं, और ये पिछले मार्च से लेकर अब तक अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कई लोग तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने एक दिन का भी अवकाश नहीं लिया, पर उन सब लोगों को मैं आपके माध्यम से जहां बधाई देना चाहूंगा, वहां उनके प्रति नमस्कार भी उनको करना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे आपदा के समय में लोगों की बहुत सेवा की है, और ईश्वर इन सब लोगों को जिन्होंने अपनी ड्यूटी को सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी नहीं माना, कई लोग 24-24 घंटे की भी ड्यूटी है, ईश्वर इनको दीर्घायु दे, इनके परिवार मंगलमय रहें, और इनकी इस मेहनत का ये रिजल्ट निकले कि ये कोरोना काल जल्दी से जल्दी खत्म हो। मैं उनके प्रति हाथ जोड़कर अपनी ये भी विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो हमारे इन शब्दों को ही उनके कार्यों की प्रशंसा के तौर पर, एक प्रसाद के तौर पर स्वीकार करें। हम उनके बहुत आभारी हैं।